आज के वीडियो में हम इस पोर्ट्रेट को पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप वहाँ से जाके देख सकते हो या फिर आप मेरे चैनल पर भी जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम पहले हेयर को शेड करेंगे। तो हेयर को शेड करने के लिए मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी आर्टलाइन की 10B पेंसिल। जितने भी डार्क एरिया है वहाँ पर मैं 10B पेंसिल का यूज़ करूँगी। जिस डायरेक्शन में हमारा हेयर है उसी डायरेक्शन में हम पेंसिल के स्ट्रोक्स लगाएंगे। टेन बी पेंसिल से शेडिंग होने के बाद हम उसे एक मेकअप ब्रश से ब्लेंड करेंगे। मेकअप ब्रश का यूज़ भी हम उसी डायरेक्शन में करेंगे जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने पेंसिल से शेडिंग करी थी। उसके बाद हम 4B पेंसिल का यूज़ करेंगे। फोर बी पेंसिल को भी हम सेम मेकअप ब्रश से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद हम फिर से एक बार डार्क एरिया में 10B पेंसिल का यूज़ करेंगे। हेयर में आपको 2-3 लेयर्स ऐड करनी है। जब तक वो रिफरेंस से मैच नहीं होता तब तक हमें उसमें और 2-3 लेयर्स ऐड करते जाएंगे, जिससे कि हमारा हेयर और भी अच्छे से रिफरेंस से मैच हो जाए। सारे लेयर्स ऐड करने के बाद हम उसमें यूज़ करेंगे मोनो इरेजर का। मोनो इरेजर का यूज़ हम हाईलाइट देने के लिए करेंगे, जिससे कि हमारा हेयर और भी ज़्यादा रियलिस्टिक दिखे।
हेयर कंप्लीट होने के बाद हम बाकी के पूरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे। जिस प्रोसेस से हम लोगों ने फेस को सेट किया था, सेम प्रोसेस से हम बाकी के पूरे पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। तो अब हमारा पूरा स्केच कंप्लीट हो चुका है। बैकग्राउंड में मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसे लगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।